मैं फायर कर रहा हूं, 3 2 1, ये देखिए 6.5 एम्पियर से फायर, 6.5 एम्पियर से रिचार्ज होना शुरू हुई और लगभग हो गई। और ये हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये DSLR पे लगने वाली एक्सटर्नल फ्लैशलाइट है जो कि डिजिटेक कंपनी की है। और इसके अंदर जो सेल लगते हैं वो या तो ये वाले सेल लगते हैं अल्कलाइन वाले, जिससे ये कि ये फुल लेवल पर केवल 20 फोटो ही खींच पाती है, 20, ठीक है, फुल लेवल पर, फुल पावर पर। या फिर हम लगा सकते हैं ये वाले सेल जो कि इतने कॉस्टली आते हैं, प्रीमियम सेल होते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, और ठीक है उससे फोटो क्लिक कर सकते हैं, उससे लगभग इससे जो है 200-300 फोटो क्लिक हो जाती है आराम से, इनफैक्ट ज्यादा ही फोटो क्लिक होती है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो लैपटॉप की बैटरी का सेल होता है ये 18650 सेल, ये आप देख सकते हैं छोटा सा सेल होता है, और जो कि ज्यादा से ज्यादा 80 रूपए या फिर 100 रूपए का मिलता है एक सेल, ठीक है, ओरिजिनल 1200 mAh का। और इस सेल से ये फ्लैश एकदम एक्चुअल की तरह वर्क करती है, जैसे कि ये ओरिजिनल किसी भी सेल से वर्क करेगी, ठीक है, जैसे जो हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके मैंने अंदर क्या लगाया है, और इस सेल से सिर्फ फायर करके दिखाऊंगा। अब पता नहीं कंपनी क्यों इतनी ज्यादा महंगे सेल परचेस करने को बोलती है, जबकि ये लिथियम आयन सेल से हम इस फ्लैश को पूरे दिन यूज कर सकते हैं, ठीक है, पूरे दिन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसके अंदर क्या क्या लगाया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कैप को इसको ओपन करा, सेल होल्डर को, ये जो है डमी सेल है, ये सेल है बिल्कुल खराब, ठीक है, ये सेल बिल्कुल खराब है, और इनको इसलिए लगाया केवल टर्मिनल्स बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ से पॉजिटिव ले सकते हैं, देख सकते हैं सेल आपस में अलग है। तो ये देखिए इस तरीके से लगाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव बाहर आ गया, ये जो सिंबल है ऊपर वाले को दिखाते हैं, इसलिए अंदर से हमें इस तरीके से ये लगाएंगे, यहां से नेगेटिव मिल जाएगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, मगर अंदर से एक्चुअल वायरिंग निकल के आती है बाहर इस तरीके से। इसको यहां लगाएंगे फिर इसको बंद कर देंगे, ये हमारे वायर आ गए। अब इस वायर में जैसे मैंने आपको बताया ये लैपटॉप की बैटरी का सेल 18650 सेल लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया, पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल मैं भी डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं इसके थ्रू लगाऊंगा। यहाँ पर एम्पियर आपको दिखना चाहिए कि कितना एम्पियर कंज्यूम करता है, तो यहां से मैंने नेगेटिव का वायर उठाया इस तरीके से नेगेटिव, और मैंने अपने फ्लैश लाइट तक नेगेटिव का वायर पहुंचा दिया। अभी आप देखिएगा मैं ऑन करूंगा इसको, ये मेरी फ्लैश ऑन हो गई, ठीक है। अभी मैं इसको फुल पर फायर करूंगा, आप देखिएगा फुल पर है, अब मैं इसे फायर करूंगा, आप देखिएगा 6 एम्पियर से ये रिचार्ज होगी। मैं फायर कर रहा हूं, 3 2 1, ये देखिए 6.5 एम्पियर से फायर, 6.5 एम्पियर से रिचार्ज होना शुरू हुई और लगभग हो गई, और ये दोबारा से अब ये यहां देख सकते हैं 0.5 एम्पियर ले रहा है, कम हो गया। अब मैं दोबारा फायर कर सकता हूँ, 3 2 1, ये देखा आपने, ये फुल इंटेंसिटी फायर, अभी देखिए ग्रीन लाइट अभी नहीं फायर होगी, अभी चार्ज हो रही है, तो इस तरीके से। बाकी अगर कम पे फायर करेंगे इतने पर तो कई बार फायर कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और कम पे तो और कई बार फायर कर सकते हैं, ठीक है, देखिए कितनी बार भी फायर कर सकता हूँ। मगर अब बात एक्चुअली आती है, तो मैं इसको हटा के आपको बताता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट अब डायरेक्ट सेल से चला रहा हूँ, आप देखिए अभी बीच में कोई भी सर्किट नहीं है, ऑन हो गई, पावर जा रही है इसमें, अब ये फायर करने के लिए रेडी है। अब डायरेक्ट सेल से चला रहा हूँ, देखिए कहीं अलग से कोई पावर सोर्स नहीं है। अब मैं इसको फायर करता हूँ, 3 2 1, फुल इंटेंसिटी से, अब 5 सेकंड 6 सेकंड में ये रिकवर हो जाती है। दोबारा फायर करके आपको दिखाऊंगा मैं, अभी देखिएगा 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग लगभग 5-6 सेकंड में ये दोबारा से ऑन हो रही है और 6 एम्पियर बैटरी से जा रहे हैं। और दोस्तों इतनी देर चलाने के बाद भी जो हमारे ये सेल है ये हीट नहीं हुआ। अब ये सेल की कॉस्ट केवल 100 रूपए है, 100 रूपीज है, ठीक है। और इसको इसका जो चार्जर आता है, जो इसका चार्जर आता है वो भी 80 रूपए या 100 रूपये का आता है,
तो प्रोबेबली 100 रुपए की बैटरी मानते हैं, 100 रुपए का चार्जर मानते हैं, और जो चार्जर होता है वो हमारे स्मार्टफोन के चार्जर से कनेक्ट करके वर्क करता है, इसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। तो 200 रुपए में बैटरी और चार्जर दोनों काम करेंगे, जो कि आपकी इस DSLR से आराम से 400-500 फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो फुल इस पे चलाएंगे आप, ठीक है, तो 6-6 एम्पियर जाएंगे हर 5 सेकंड के लिए, क्योंकि 5 सेकंड में फुल चार्ज हो जाती है, तो आपके करीबन 200-300 फोटो आराम से क्लिक हो जाएंगे अगर आपका सेल जो है 1200 mAh का है। अगर आपका सेल जो है 2200 mAh वाला परचेस करेंगे, जो 150 रुपए का आता है, तो आपकी फिर 600 फोटो के करीब हम फोटो क्लिक कर सकते हैं फुल पावर पे। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि कंपनी क्यों इतने महंगे सेल परचेस करने को बोलती है बार बार, जिनके चार्जर भी इतने महंगे हैं और वो सेल रिचार्जेबल इतने महंगे हैं, प्लस एक तो हमारी ये फ्लैश ही इतनी कॉस्टली होती है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वाले सेल सक्सेस है नहीं है, क्या इसमें फेलियर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको चला के दिखाया, इससे भी ये बिल्कुल ओके काम कर रही है, फ्लैश लाइट फुल पावर से चल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।